नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें फटाफट। बेंगलुरु में स्थापित आदियोगी योगेश्वर महादेव मंदिर में पहली बार श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी सप्तऋषि आरती से सप्तऋषियों का करेंगे आह्वान। देश ही नहीं, सात समंदर पार के श्रद्धालु भी बनेंगे साक्षी। असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा बोले, हमें मदरसे नहीं, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जरूरत। बांग्लादेश से आकर हमारी सभ्यता और संस्कृति पर खतरा पैदा करते हैं लोग। मेरठ के हसनापुर में भारतीय किसान संघ के तत्वावधान में गौ आधारित 3 दिवसीय खेती महाकुंभ का आरंभ। कार्यक्रम में शामिल हुए देश भर के 500 किसान। नेपाल से आई 300 महिलाओं ने हरिद्वार के हर की पैड़ी में किए 3,25,00,000 दीपदान। महिलाओं ने रजोनिवृत्ति दोष निवारण के लिए गंगा घाट पर जलाई हाथों से बनाई रुई की बत्तियां। वामन पुराण के रेवाखंड में इसका वर्णन होने की कही बात। रुद्रप्रयाग के बरसू गांव के विजय सेमवाल ने 45 साल बाद अपने वीरान गांव में की धान की रोपाई तो नम हुई लोगों की आंखें। गोरखपुर समेत यूपी की जेलों में कैदियों को मिल रहा है आत्मनिर्भरता का प्रशिक्षण। कोई ले रहा है कंप्यूटर ट्रेनिंग तो कोई बन रहा है इलेक्ट्रीशियन। महिलाओं को दिया जा रहा है ज्वेलरी मेकिंग का प्रशिक्षण। यूपी में उपजाए जाने वाले आलू की कुफरी किस्म को खूब पसंद कर रहे हैं अरब के देश। दुबई से आई 130 टन कुफरी आलू की मांग। 30 टन की पहली खेप दुबई के लिए रवाना। सहारनपुर की शुभावरी चौहान गाय के गोबर और मूत्र से तैयार करती हैं देसी खाद। खाद से ऑर्गेनिक फसल उगाने पर लोग कर रहे हैं उनकी सराहना, अन्य लोगों के लिए भी बनी प्रेरणा। यूपी के फतेहपुर में पुलिस मुठभेड़ में गौ तस्कर इस्तियाक उर्फ कल्लू के पैर में लगी गोली। घटनास्थल से एक गाय, गौकशी का सामान, बाइक, तमंचा व कारतूस बरामद। नोएडा के सेक्टर 8 में नाले में कई टुकड़ों में महिला का कटा हुआ शव मिलने से मचा हड़कंप। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात, मामले की जांच कर रही है पुलिस। आज के समाचारों में बस इतना ही। फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।